सी सेलिब्रिटी है जिससे जुड़ने के लिए लोग बड़े लालायत होंगे, या कौन सा आपको मसाले वाला कंटेंट मिल रहा है, ये स्पिरिचुअल है तो कम ही जुड़ते हैं। हाँ बहुत जैसा होगा जैसे भागेश्वर धाम, जहाँ चमत्कारिक रूप होगा वहां लोग जुड़ेंगे, अगर निर्मल बाबा जैसे होंगे तो वहां लोग जुड़ेंगे, तो चमत्कार की उम्मीद है। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास यथार्थ सत्य, जितनी पढ़ाई करी उस लोग सब सुनना चाहते हैं, ये मैंने देखा, हाँ सुनना चाहते हैं। इसी सीख में आगे पढ़ पाए, क्योंकि मैं बीच में पढ़ना बंद कर दिया, मैंने कहा जब कोई सच सुनता नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा, क्योंकि ये भ्रम मेरा टूट गया था। मैंने कहा सच तो कोई सुनता नहीं, लेकिन जब मैं वार्ता से जुड़ी थी तब मेरे को लगा कि नहीं लोग तो सच सुनना चाहते हैं, डियर लोग। बाकी अगर आप एक शून्य एक सीड डाल देते हो, वहां पेड़ तो बनना है, सच का सीड में डाल के वहां भले मुझे कितने नेगेटिव कमेंट मिले, मैंने कोई परवाह नहीं मारी, मैं तो दे जितनी गाली देता है परवाह कौन मारता है, लेकिन जो यथार्थ वो यही है, तो गाली दे सकता है या गोली मार सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है, बस दुआएं ना दे दे वो भी पहले इतनी मिली हुई है और दे दे, तो जितनी बददुआएं देगा तो जितनी गालियां देगा उतना मेरे कर्म की फसल कटती जाएगी, इसीलिए मैं इन चीजों से भी दूर हो चुकी, क्योंकि आप वही लोग हो जो इतनी गालियां दे के मुझे मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हो। और मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या कोई नदी है, अपने आप को जिसने पा लिया वही मोक्ष है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर तक कट के, वो लोग देखने में सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, सो दैट काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये लस्ट है। अगर खुद को जानना है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो खुद को जानना, बहुत रेयर, रेयरेस्ट, रेयर भी नहीं, रेयरेस्ट, बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को जान पाते हैं, अगर खुद को जान लिया बस वही मोक्ष।